पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ू के मैदान में फॉरेस्ट गार्ड के 12 पदों के लिए भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। ये भर्ती 22 जून तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया में वन सर्कल में कुल 9130 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिन्हें क्रम अनुसार हर दिन शारीरिक प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। विभाग की ओर से आज यानी कि दूसरे दिन 900 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया। इस परीक्षण के दौरान हमीरपुर की डीएफओ संगीता चंदेल, डीएफओ देहरा आर के डोगरा व ऊना के डीएफओ यशदीप सिंह मौजूद रहे। बड़ू बहुतकनीकी संस्थान के मैदान में फॉरेस्ट गार्ड के 12 पदों के लिए भर्ती शुरू हो गई है। ये भर्ती 22 जून तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया के वन सर्कल में कुल 9130 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसको क्रम अनुसार हर दिन शारीरिक प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। विभाग की ओर से आज 900 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया गया है। इस परीक्षण के दौरान हमीरपुर डीएफओ संगीता चंदेल, देहरा डीएफओ आर के डोगरा व ऊना डीएफओ यशुदीप सिंह मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण में सबसे पहले अभ्यर्थियों को 100 मीटर की दौड़ निर्धारित समय अवधि में पूरी करनी थी, जिसके बाद 800 मीटर दौड़, हाई जंप व लॉन्ग जंप हुआ, और जो अभ्यर्थी इन सब को पूरा कर लेता है उसे लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। वही अधिकतर अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर की दौड़ ही इस परीक्षा को पास करने में बाधा बन गई। वन अरण्यपाल अनिल जोशी ने बताया कि 22 जून को शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा 30 जून को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्कल में कुल 12 पदों के लिए युवा शारीरिक परीक्षण में भाग ले रहे हैं और वन सर्कल में कुल 9130 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये वन रक्षक की भर्ती प्रक्रिया आज से ये 22 तारीख तक चलेगी, और इसमें प्रथम चरण में फिजिकल टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स है ये हमने बुलाए हैं। टोटल 10,000 कैंडिडेट्स जो है जिन्होंने अप्लाई किया, लगभग 10,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। आज रफली जो है पर डे जो है हम इसमें 900 से लेकर 1,000 कैंडिडेट्स में बुला रहे हैं। 12 हमारी टोटल सीट्स है जिनके लिए कैंडिडेट्स अपने आप को इन्होंने इस प्रक्रिया से क्रॉस करेंगे, और इस प्रक्रिया के उपरांत जो भी यहाँ से क्वालिफाई करेंगे उसको जो है 30 तारीख को एक रिटर्न टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर, और उसके उपरांत मेरिट बनेगी, और फाइनली जो है उनके डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन के उपरांत जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वर्कआउट की जाएगी।